हाय लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। घबरा नहीं, आज मैं हारमोनिका की क्लास नहीं देने वाला आपको। वैसे मैं बहुत बेकार बजाता हूँ। संडे का दिन था, सोचा कुछ नया सीख लूँ। इस वीडियो में हम एडोबी फायरफ्लाई के 3 पावरफुल टूल यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए गूगल पे टाइप करें एडोबी फायरफ्लाई और फर्स्ट रिजल्ट ही ओपन कर लो। वैसे इसे यूज़ करने के लिए आपका एडोबी अकाउंट ज़रूरी है, तो उसे ज़रूर क्रिएट कर लें। देन क्लिक ऑन एक्सप्लोर फायरफ्लाई बीटा। Adobe Firefly नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है, उसी में पहला है टेक्स्ट टू इमेज। और जनरेट पे क्लिक करने से आपको काफ़ी सारे लोगों की क्रिएशन दिख जाएगी, साथ में प्रॉम्प्ट्स भी दिखेंगे। और किसी पे क्लिक करोगे तो आप उस प्रॉम्प्ट में कुछ ना कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और अगर आप खुद की प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से ये टेक्स्ट डिलीट करके टाइप कर दीजिए। लेट्स टाइप टर्टल। प्रॉम्प्ट कुछ ज़्यादा छोटी हो गई है, लेकिन फिर भी रिजल्ट इसने अच्छा दिया है। अब अगर हम क्यूट वर्ड ऐड कर देते हैं तो देखते हैं, पहले से बहुत बेटर हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सिंपल है। लेट्स टाइप क्यूट टर्टल सिटिंग ऑन अ चेयर। अच्छा है, बट कोई एक्टिविटी दे देंगे तो ज़्यादा एंगेजिंग लगेगा। अब लास्ट बार ट्राई करते हैं क्यूट टर्टल सिटिंग ऑन अ चेयर प्लेइंग कार्ड्स विद फेलो टर्टल्स इन अ कैसिनो। और कंटेंट टाइप में आर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब रिजल्ट अच्छा लग रहा है। कछुआ स्लो था, बट फिर भी थोड़ा समय तो लगता ही है कछुए को जीतने में। नेक्स्ट टूल है हमारा जनरेटिव फिल, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। इसे एक्सप्लोर करते हैं। इस टूल के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी इमेजेस से रिमूव कर सकते हैं और कोई भी चीज़ अपनी इमेजेस में ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हम ये इमेज अपलोड कर लेते हैं और इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है हमें, तो बस बैकग्राउंड वाले बटन पे क्लिक करो और बैकग्राउंड रिमूव हो गया। मतलब सही में यार कुछ ज़्यादा ही ईजी बना दिया इन्होंने। अब आपको कोई और बैकग्राउंड सेट करना है इसके पीछे, तो नीचे प्रॉम्प्ट में डिस्क्राइब कर दीजिए। लेट्स टाइप न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर। इसने 4 डिफरेंट बैकग्राउंड क्रिएट कर दिए, वो भी बहुत जल्दी। और अगर चारों आपको बैकग्राउंड समझ नहीं आ रहे तो आप मोर पे क्लिक करके और बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं, है ना कमाल। इन सब ऑप्शन से आई थिंक फर्स्ट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसे रख लेते हैं। इसी तरीके से पेंट करके आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हाफ पोर्शन पे बिल्डिंग, हाफ पोर्शन पे सी शोर, और थोड़े बहुत बाल भी ऐड कर देते हैं यार इसके। आप ये समझें कि इतना पावरफुल टूल है, ये खाली बैकग्राउंड नहीं, ये बंदों को भी गायब कर देता है इमेजेस से। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी आउटपुट को डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ वाटरमार्क नज़र आएगा, मतलब कि वो कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते। अभी खाली पर्सनल यूज़ के लिए है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से। आपको एक सीक्रेट टेक्निक बताता हूँ। जब आप ब्रश पैलेट में जाओगे तो वहाँ ओपेसिटी जैसे ही आप 50% सेट कर दोगे और अपने आर्टवर्क पे एक बारी में पूरा ब्रश फेर देना, ओपेसिटी पूरे की कम हो जाएगी। और प्रॉम्प्ट में लिख दें वाटर कलर इफेक्ट, हिट ऑन जनरेट, और आपको कुछ इस टाइप के आउटपुट्स दिखेंगे। मतलब इमेजेस पे आप किसी भी टाइप के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है टेक्स्ट इफेक्ट्स का, जहां पहले से प्री डिफाइंड बहुत सारे टेक्स्ट के प्रॉम्प्ट्स बने हुए हैं। किसी पे भी क्लिक करोगे तो आप अपना टेक्स्ट लिख के अप्लाई कर सकते हो, सेम रिजल्ट। तो मतलब इसमें दो ऑप्शन है, एक जगह तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो, साथ में इफेक्ट उसके अंदर क्या आना है या फिर उसमें क्या इमेजरी रहेगी वो टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने टेक्स्ट में लिखा जंगल और प्रॉम्प्ट दे दिया जंगल ऑफ क्यूट एनिमल्स, टाइगर्स, मॉन्कीज एंड लायंस, और मुझे कुछ इस टाइप का आउटपुट मिल गया। अभी बहुत सारे अमेजिंग टूल एक्सप्लोरेशन मोड में हैं, ये जब लाइव हो जाएंगे तो आप फ्रीली इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा डिटेल मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगता है जब आप खुद ये टूल्स यूज़ करेंगे, वेबसाइट पे जाके अकाउंट वगैरह क्रिएट करेंगे, तब जाके आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और मुझे लगता है इन सारे टूल्स को चलाने के लिए स्किल्स से ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट या सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट्स में बताना। और बाकी आप अपनी ट्रेनिंग जारी रखिए, मैं भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखता हूँ।